दोस्तों स्वागत है फिर से आपके नई वीडियो में और मैं वेश शर्मा आपका हल्द्वानी से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली और आज हमारा प्लान ऐसा हुआ था कि यहां से आजकल ट्रेन जो चल रही थी वो कैंसिल है तो हम उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से हम जाएंगे। तो हमने बस का टिकट ले रखा है, हमारी बस 8:30 बजे। तो अभी हम दिल्ली जा रहे हैं सबसे पहले और मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है पहाड़ों की तरफ, पहाड़ सामने कितने अच्छे लग रहे हैं और मौसम भी बहुत सुहाना है इस समय का। ठंड तो मैं आपको दिखाता हूँ, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ई टिकट बनाया है मैंने, 9 और 10 नंबर मेरे को सीट मिली हुई है। बड़ी अच्छी सुविधा है उत्तराखंड में तो बसों की, रोडवेज की। मध्य प्रदेश में थे तो वहां पे प्राइवेट बसें मिलती थी, हाँ वहां भी अच्छी सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ उत्तराखंड परिवहन है, वहां मध्य प्रदेश परिवहन नहीं था इसलिए बड़ी दिक्कतें होती थी। यहां से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो अभी हमने जो टिकट कराया है वो करा रखा है, जनरत बसें चलती हैं जो एसी बसें होती है, एक तो ऑर्डिनरी चलती है, एक जनरत एसी बसें होती है और उसके ऊपर वॉल्वो बसें होती है। तो वॉल्वो में तो टिकट महंगा है और ये सिंपल है, ठीक है, एसी का टिकट है तो ठीक है, मैनेज हो जाता है, बाकी ऑर्डिनरी। और अभी हम आ गए हैं हल्द्वानी बस स्टैंड और हमारी बस सामने खड़ी हुई है और ये बस स्टैंड का माहौल है और यहाँ से हमें जाना है इस सामने वाली बस से। और हमारी बस एक व्यवस्थित ढाबे पे रुकी हुई है और हम लोगों ने यहाँ पे अभी खाना खाया है और हम चलते हैं अब आगे की तरफ। दोस्तों हम आनंद विहार आ गए हैं और हमारी बस भी बहुत टाइम पे आ गई थी, ऐसा लग रहा था आज कोहरा ज्यादा होगा लेकिन बस हमारी टाइम पे आ गई। तो उत्तराखंड परिवहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं ग्वालियर की तरफ और हमारी 2 घंटे बाद अभी ट्रेन है तो हमें वो ट्रेन सीधे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ। आनंद विहार बस स्टैंड पे उतरने के बाद फिर हमने एक ऑटो किया, ऑटो से हम लोग अब रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन की तरफ जा रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ भी। दोस्तों हमारी ट्रेन मिल चुकी है और जा रहे हैं, हमारी ट्रेन नीचे खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ।